एनसीआर के कुख्यात बदमाश कौशल जाट 2017 में जिस फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई जाकर छिप गया था, वह पासपोर्ट अलवर जिले के मानड़ थाना क्षेत्र के गांव आनिंद निवासी नरेश जाट के नाम से बनवाया गया था। कौशल की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस ने 2019 में फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला मानड़ थाने में दर्ज कराया था। मानड़ थाना पुलिस ने कौशल को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अलवर जिले की नीमराणा तहसील की मांडण पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने मामले में गैंगस्टर कौशल गैंग के मुखिया कौशल जाट को गिरफ्तार किया है। मांडण थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि कौशल जाट ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर पासपोर्ट बनवाया था और दुबई भाग गया था। यह पासपोर्ट मांडण क्षेत्र के अनिंद गांव निवासी नरेश कुमार जाट के नाम से बनवाया गया था। पकड़े गए गैंगस्टर कौशल पर 3 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं, जिस पर अलवर पुलिस ने भी एक बैंक लोन मामले में कौशल को 3 दिन पहले ही हरियाणा के संगरूर से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर अलवर लाई थी। कुख्यात बदमाश कौशल जाट पर फरीदाबाद में 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या मामले में आरोप लगा था। कौशल ने 1 करोड़ की रंगदारी न देने के चलते अपने गुर्गे विकास उर्फ माले और भोलू से विकास चौधरी की हत्या करवा दी थी। गिरफ्तारी के बाद 2016 में वह पैरोल पर बाहर आया था। फिर 2017 में जयपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वह दुबई भाग निकला। 2019 में हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कौशल को दुबई से गिरफ्तार कर लिया था। कौशल जाट 90 दिन के विजिटिंग वीजा पर गया था, फिर उसने वहां 2 साल का वर्किंग वीजा भी बनवा लिया था। बदमाश कौशल पुत्र नंद किशोर जाट निवासी नाहरपुर जिला गुरुग्राम का रहने वाला है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी कौशल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान मांडर पुलिस थाना छावनी में तब्दील हो गया। ये कौशल है, नाहरपुर रूपा गुड़गांव का रहने वाला है। इसने नाहरपुर में वहाँ अपने मर्डर कर दिया था। वहाँ से ये इसका दोस्त था विनय, अड़ीन गांव पड़ता है मांडर थाने इलाके में, वहाँ पे अपने दोस्त के पास आया ये। और इसने यहाँ पे अपने फर्जी डॉक्यूमेंट नरेश कुमार के नाम से तैयार करे और उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवा दिया सन 2015 में। उसके बाद ये 2017 में उस पासपोर्ट से फर्जी दुबई चला गया। तो हरियाणा पुलिस को इसका पता चला तो दुबई से इसको पासपोर्ट के आधार पता चला कि फर्जी है, तो वहाँ से फिर लेके आए थे। इस पर गिरफ्तार किया था तो उन्होंने फिर मुकदमा दर्ज कराया था कि पासपोर्ट है फर्जी, उस पासपोर्ट के मामले में। यहाँ डॉक्यूमेंट तो उसने पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, राशन कार्ड बनवाया। विनय सन ऑफ राजेंद्र है, अड़ीन गांव का, उसने इसका सहयोग किया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इसमें कौन कौन सा। यहाँ मामला दर्ज था, मुकदमा यहाँ पे ही दर्ज था। 2019 का मुकदमा दर्ज था, हरियाणा पुलिस से वहाँ से मेल आया था, इसके मामले में इस पासपोर्ट पर उसके आधार पर दर्ज किया था।